नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी और आप देख रहे हैं दिल्ली 99। आइए नजर डालते हैं आज सुबह की बड़ी खबरों पर। भारतीय दौरे पर आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना की आज होगी द्विपक्षीय बातचीत। 7 अहम समझौतों पर हो सकते हैं हस्ताक्षर। मुंबई की आरे कॉलोनी में देर रात मेट्रो कार शेड बनाने को लेकर की गई पेड़ों की कटाई, नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। तो वहीं बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज ने ट्वीट कर जताया विरोध। मुंबई में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए पेड़ों की कटाई को लेकर बीजेपी पर बरसे शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे, बोले इको सिस्टम तबाह कर रही है मुंबई मेट्रो। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने पद संभालते ही पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी, कहा पाकिस्तान के किसी भी आतंकी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है वायुसेना। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर नवजोत सिंह सिद्धू को किया नजरअंदाज। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 40 प्रचारकों की लिस्ट में सिद्धू का नाम गायब। दिल्ली मेट्रो की ग्रे लाइन का हुआ उद्घाटन। द्वारका से नजफगढ़ मेट्रो का केंद्र शहरी विकास मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया उद्घाटन। डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने उठाया बड़ा कदम। अब वर्किंग डेज में 24 घंटे कर सकेंगे नेफ्ट के जरिए ट्रांजैक्शन। 23 अक्टूबर को होंगे दुनिया के सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के चुनाव। चुनावों की इस दौड़ में कई दिग्गज खिलाड़ियों के नाम शामिल। फिल्म सांड की आंख में शूटर दादी के किरदार पर ट्रोल हुई एक्ट्रेस तापसी पन्नू। ट्रोलर्स से परेशान तापसी ने दिया जवाब, मैं एक्टिंग करना छोड़ देती हूँ। देश भर में नवरात्रि की धूम। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल, जूही, सुष्मिता सेन ने लिया मां दुर्गा का आशीर्वाद। न्यूज़ के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।